दोस्तों आज के समय में हर इंसान ये चाहता है कि वो स्वस्थ रह सके, बीमारियों से दूर रह सके, लेकिन हम ये जानते हैं कि आज हम लोग पूरी तरह से दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। लेकिन पहले के समय में तो ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग अपनी बीमारियों का इलाज घर पर ही करते थे, क्योंकि दोस्तों वो लोग आयुर्वेद को अपनाते थे। दोस्तों आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं जो कि हमारे घर में ही मौजूद होती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं करते, जैसे कि किशमिश। दोस्तों किशमिश एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें कई सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, पोटेशियम है, फाइबर है। दोस्तों कुल मिलाकर इसमें वो सभी पौष्टिक तत्व हैं जो हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए। लेकिन हम लोग किशमिश का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? दोस्तों हम लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं मेहमानों के आगे सर्व करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप किशमिश का इस्तेमाल अपने लिए कर देखिए। इससे आपको बीमारियों के लिए समय निकालना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद अपनी बॉडी में फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल राइट होम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों किशमिश एक बहुत ही अच्छी औषधि है। दोस्तों अगर आपके शरीर में कमजोरी रहती है, आप थोड़ा सा काम करने के बाद ही थक जाते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, तो आपको किशमिश जरूर खानी चाहिए। दोस्तों इम्यूनिटी ही तो है जो हमें बीमारियों से बचाकर रखती है। दोस्तों हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को भी अपने आप सही कर सकता है। उसके लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसके लिए किशमिश बहुत फायदेमंद है। दोस्तों आपको बस क्या करना है, एक मुट्ठी किशमिश को रात को एक गिलास पानी में भिगोकर रखना है और सुबह उठकर खाली पेट बासी मुंह सबसे पहले इस किशमिश को खा लेना है। दोस्तों इस तरह करने से आप अपनी बॉडी में फर्क महसूस करेंगे। जो आपको थकावट महसूस होती थी वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है जो कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को खत्म करता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो आपको एक नहीं बल्कि 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास दो कचरे के डिब्बे हैं, एक खाली और एक भरा हुआ। दोस्तों कीटाणु वहीं पर आएंगे जो डिब्बा भरा हुआ है। दोस्तों उसी तरह जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमारे पेट में गंदगी जमा हो जाती है, तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन लोग इसे बीमारी नहीं समझते। अगर आप किशमिश का इस्तेमाल करते हो तो आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो ये पिंपल्स, बाल चढ़ते हैं, दोस्तों इसका मेन कारण खून की गंदगी, पेट की गंदगी है। अगर आप किशमिश खाना शुरू कर देंगे तो आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम घर पर ही ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए है जो कि हमारी आँखों के लिए, आई साइट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों आज बहुत सारे लोग चश्मे से परेशान हो चुके हैं, इसके लिए कई तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन आप किशमिश खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी आँखों की रोशनी बहुत जल्दी बढ़ेगी। दोस्तों आँखें हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इनका ध्यान रखना भी हमारी ही ड्यूटी है। साथ ही साथ दोस्तों ये एंटी बैक्टीरियल है। आपने कई सारे लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे मुंह से बदबू आती है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये बदबू आती किस वजह से है? दोस्तों कई लोगों को लगता है कि मुंह से जो बदबू आती है उसका कारण हमारा खाया हुआ खाना है। नहीं दोस्तों, मुंह से बदबू आने का कारण है मुंह के बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उसी वक्त हमारे मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि बदबू पैदा करते हैं। इसलिए आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी किशमिश जरूर खाएं। इससे आपके मुंह से अगर बदबू आती है तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अच्छी मात्रा में आयरन है जो कि खून की कमी नहीं होने देता। दोस्तों भारत में 50% जनसंख्या ऐसी है जिनकी बॉडी में खून की कमी है। दोस्तों खून की कमी होने पर हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे शरीर को खून की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में खून की ही कमी हो जाएगी तो आपके ऑर्गन वीक हो जाएंगे, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आँखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, कुल मिलाकर आपको बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेंगी। इसलिए खून की कमी ना हो पाए इसलिए आपको किशमिश जरूर खानी चाहिए। साथ ही हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है। भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। इस बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है
और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो डॉक्टर्स कहेंगे स्टेंट डलवा लो, बाईपास सर्जरी करवा लो, जिस पर आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस बीमारी का इलाज घर पर ही कर सकते हो। आप अपने दिल को घर पर ही स्वस्थ रख सकते हो, खून को साफ कर सकते हो। आप बस रोज सुबह खाली पेट किशमिश जरूर खाएं। साथ ही साथ ये वजन को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये फैट फ्री होता है। दोस्तों, जो आप सप्लीमेंट्स वजन को कम करने के लिए खाते हो, वो प्रोडक्ट्स तब तक आपका वजन कम करते हैं जब तक आप उन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे ही आप सप्लीमेंट्स लेना बंद करते हो, आपका वजन फिर से बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, आप आयुर्वेद को अपनाएं, किशमिश का इस्तेमाल करें और घर पर ही अपनी बीमारियों को सही करें। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी इसी तरह से तो लंबा जीवन जीते थे। दोस्तों, कहने को तो आज हमारी उम्र 100 साल है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि आज कितने ही लोग 100 साल तक जी पाते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आगे चलकर आपको बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के लिए समय निकालना पड़े, तो आज ही अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा समय निकालें और घर पर ही खुद को स्वस्थ रखें। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thank you so much for watching our video.